अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर का एक पार्ट काम करना बंद हो जाएगा तो आपको कैसा फील होगा? पट्टी एड़ियां भी कुछ उसी तरीके से होती हैं। हमारा काम करना तो क्या, चलना भी मुश्किल हो जाता है। इन फटी एड़ियों की वजह से हमारे पैर में बहुत ही जोर से दर्द होता है, और तो और क्रैक्ड हील्स की वजह से कभी कभी आपके पैर से खून भी निकल जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्रैक्ड हील्स यानी फटी एड़ियां होती क्यों है और इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर हम फटी एड़ियों की बात करें तो ये क्लाइमेट चेंज, ह्यूमिडिटी की वजह से भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप नंगे पैर बहुत देर तक चलते हैं तो भी हो सकती है। अगर आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो भी आपको फटी एड़ियों की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जर्शन ले रहे हैं और कुछ ऐसे जूते पहन रहे हैं जो आपके हील्स पर ढंग से फिट नहीं आ रहे, या फिर आप ओपन सैंडल्स पहनकर बहुत देर तक चल रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको फटी एड़ियों की समस्या हो सकती है। इसके कुछ मेडिकल कॉजेज भी हैं। फटी एड़ियां विटामिन डेफिशिएंसी, फंगल इन्फेक्शन, मोटापे, बुढ़ापे और साथ ही साथ थायराइड की वजह से भी होती हैं। फटी एड़ियों को कैसे ठीक करें? आप फटी एड़ियों पर बाम लगा सकते हैं। बाम लगाने से आपकी डेड स्किन सेल्स जो हैं वो एक्सफोलिएट हो जाते हैं और आपकी स्किन को एकदम मॉइस्चराइज कर देते हैं और उसे सॉफ्ट बना देते हैं। इसके अलावा जब आप बाम लगाएंगे तो बाम में आपको थोड़ी सी जलन तो होगी जब आप इसको लगाएंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं है, वो काफी नॉर्मल है। सोक एंड एक्सफोलिएट। आपकी एड़ियां जो है स्किन के बाकी पार्ट से थोड़ी ज्यादा सख्त होती हैं, इसीलिए वो जल्दी ड्राई होती है और उनमें क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं। इनको ठीक करने के लिए आप अपने पैरों को पानी में डुबो लें। करीबन 20 मिनट तक आपको अपने पैरों को पानी में डुबोना है और उसके बाद आपको एक टॉवल से अपने पैरों को पोंछ लेना है, उसे ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपको पेट्रोलियम जेली लगानी है जिससे आपकी जो एड़िया है वो सॉफ्ट हो जाए और उनके अंदर मॉइस्चर चला जाए। इसके अलावा अगर आपकी एड़ियों में से खून निकल रहा है तो ये उससे भी बचाव करेगा। शहद। शहद एक बहुत ही अच्छा घरेलू तरीका है अपनी फटी एड़ियों को ठीक करने का। शहद के अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एड़ियों को फटने से बचाती है। इसलिए अगर आपकी एड़ियां फट रही हैं तो इस पर शहद लगाएं। कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ड्राई स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, इसलिए अगर आपकी एड़ियां फट रहे हैं और उनमें से खून निकल रहा है तो ये आपको इन्फेक्शन से भी बचाएगा और साथ ही साथ आपकी एड़ियों को फटने से बचाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अपने आप को फटी एड़ियों से कैसे बचाएं? आपका फुटवेयर मैटर करता है। आप जितना ज्यादा ऐसे जूते पहनेंगे जिनकी हील्स आपको सूट नहीं कर रही, या फिर जूता काफी ज्यादा टाइट है या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उतना ही आपकी एड़ियों के फटने के चांसेस ज्यादा है। इसके साथ साथ आपको पानी भी खूब पीना है ताकि मॉइस्चर आपकी बॉडी में रिटेन होता रहे। इसके अलावा आपको बाम्स, क्रीम्स लगाते रहना है ताकि आपकी एड़ियां एकदम मॉइस्चराइज रहे, आपकी स्किन सॉफ्ट रहे। तो अब तो आपको पता लग गया होगा कि अपनी फटी एड़ियों को कैसे ठीक करना है और साथ ही साथ कुछ ऐसी रेमेडीज जो है वो आप अपना सकते हैं ताकि आप इन्फेक्शन से अपनी एड़ियों का बचाव कर सकें।